महसूस है। हमारे इंतजार में रहती तो ये बन जाती आज, खाने बैठ जाओ ये। सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करने के लिए मैं दही डालूंगी, बहुत मजेदार इसका मैरिनेशन रेडी होता है। दही के अंदर अब मैं पपीते का, ये मैंने पपीता पीस कर फ्रीज करके रखा हुआ है, ये डालना जरूरी है। अगर आप पपीता नहीं डाल रहे हैं तो आप मीट टेंडराइजर आता है पाउडर शान का, वो आप यूज कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, इसको अभी जरा विस्क कर लें। इसमें तली हुई प्याज आप डाल दें। इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा हुआ जीरा, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, चाट मसाला, काली मिर्च पिसी हुई, नमक डाल दें। थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूंगी ये जर्दे का रंग, इससे बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। आप चाहें तो आप ना डालें, कलर अच्छा आएगा तो मैं डाल देंगे। अब इसमें तेल शामिल करें, अब इसमें नींबू का रस शामिल कर दूंगी मैं। अब इन सब चीजों को आप अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर बना लें और मजेदार इसका मसाला रेडी होता है। अच्छा, अब ये एक मैंने बेकिंग डिश ले ली है, मैं इसी में मैरिनेट करके इसको रखूंगी और इसी में ही बेक करूंगी। ये है मटन का पीस मेरे पास और इसमें मैं शामिल करूंगी चॉप्स के पीस हैं, इनको भी मैं मैरिनेशन में डाल दूंगी। मैंने कट लगा दिए ताकि हमारा मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। अब ये मैं इसके ऊपर डालूंगी मसाला अच्छे से, और आपने जो है वो हाथ से इसकी मालिश करनी है ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से इसके ऊपर रच बस जाए। ये मैंने मैरिनेट कर दिया है, आप पूरे तरीके से पीस इसका देख सकते हैं। क्लिंग करूंगी इसको, आप क्लिंग कर दें। अब मैंने ये पैक कर दिया है, अब मैं इसको फ्रिज, बर्फ वाली जगह नहीं रखेंगे, आप नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे जहाँ पे कूलिंग अच्छी हो। इंशाल्लाह ताला इसको तकरीबन 16 से 17 घंटे यानी ओवरनाइट, उसके बाद पूरी सुबह दोपहर में जाकर इसको मैं इंशाल्लाह बेक करने के लिए रखूंगी। मिलते हैं कल आपसे। मेरे पूरी रात से जो है मटन मैंने मैरिनेट करके रखा है, जिस तरीके का मैरिनेशन किया ऐसे ही मैरिनेट करें उसे और उसको पूरी रात का टाइम दें। तकरीबन मेरे समझ लें आप 15 घंटे अब तक हो चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ उसको अवन में रखने के लिए। उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि उसकी टेक्स्चर कैसे बनेगा। इसको अवन मैंने ऑन कर दिया है और अवन में रखने से मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले इसको निकाल दिया था ताकि ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाइए। पूरी डिश के ऊपर ये एल्युमिनियम फॉइल अच्छे से लगा दूंगी ताकि ये भाप से इसके अंदर स्टीम बनेगी, तो इसकी गलावट बड़ी अच्छी तरीके से होगी। एल्युमिनियम फॉइल के बाद इसमें, ताकि एयर ना भरे स्टीम से, मैं इसमें थोड़े से ऐसे प्लास्टिक स्टिक से होल्स कर दूंगी। अब तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए इसको रखूंगी अवन में, उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। अब मटन को रखे हुए अवन में अराउंड 1.25 घंटा हो गया है, मैंने 10-15 मिनट और ऊपर दे दिए थे, 1 घंटे का कहा था आपसे, तो अब मैं उसको निकाल कर चेक करने वाली हूँ कि सिचुएशन क्या है, कितना गला है। इसकी जो इस वक्त खुशबू आ रही है ना, अंत है अंत। ये जो आपको टेक्सचर नजर आ रहा है कि जो हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया है, तो ये बेहतरीन निशानी है कि आपका मटन जो है ना वो यमलेशियस किस्म का जो है वो गला है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, थोड़ा सा हम इसको अंदर तक चेक करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ आपके सामने चेक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी गलावट का क्या सीन है। बहुत आला, बहुत बहुत आला। अच्छा, मैं मटन रोस्ट के साथ सर्व करूंगी बटर गार्लिक राइस, बहुत यम बनते हैं, आइए आपको भी सिखाती हूँ। अच्छा, मटन रोस्ट के साथ जो है थोड़ी सी वेजीज सॉटे करूंगी, बहुत जबरदस्त लगती है, मजा आता है, और जब वो बटर गार्लिक राइस के साथ सर्व होते हैं तो समझ लें मजा हो जाता है 1+1 2 नहीं 11, यानी 11 के बराबर मजेदार हो जाता है। आइए जरा सबसे पहले मैं ले लूंगी थोड़ा सा बटर। मुझे वेजीज
सॉटे करनी है उसके लिए सबसे पहले मैं डालूंगी गार्लिक। अच्छा गार्लिक जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है गोल्डन, तो मैं इसमें वेजीज डाल दूंगी। थोड़ा सा इसमें डाल दें सॉल्ट, थोड़ा सा काली मिर्च, बटर। गार्लिक राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बटर डाल दिया है और इसमें अब मैं ये डाल दूंगी लहसुन। गार्लिक राइस के लिए आपने गार्लिक इतने गोल्डन करने हैं, उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूंगी। डिश ऑफ करने लगी हूँ। बटर गार्लिक राइस इंतहाई जो मजेदार खुशबू आ रही है ना, इसमें मैं रख दूंगी ये वेजीज। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जो मेन VIP डिश है, अब हम वो निकालेंगे। अब इसको मैं बड़े मोहब्बत और प्यार से इसके ऊपर रखूंगी। ये जो मसाला है इसको मैं जाया बिल्कुल नहीं करना है, असल मसाला ही ये है, ये देखें इस तरह, और इसको मैंने भूनना है ताकि ये इसका जो भी पानी है एक्सेस पानी वो सारा ड्राई हो जाए। 2 मिनट लगेंगे, मसाला पूरा भून गया है, कितना जबरदस्त मसाला। मैं इसको इसके ऊपर डालूंगी। मटन रोस्ट रेडी है मेरे गार्लिक राइस यानी बटर गार्लिक राइस के साथ और जो वेजीज सॉटे किए। ये जो कॉम्बो है ना, आप बनाएं और आपको मजा ना आया ना तो पूरे के पूरे पैसे वापस। ये बनाइए, इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को भी मजे कराइए घर बैठे बैठे मटन रोस्ट, जो कि हम बाहर खाने जाते हैं और वो अच्छी खासी, क्योंकि आपको पता है मटन है तो मटन तो मिलता ही बहुत महंगा है। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने सारे कामों में जो आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है जब आप मेरी रेसिपीज देखते हैं और उसको ट्राई करते हैं, दिल से खुशी होती है। प्लेटर मेरा रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, उमर ने मुझे आज सुबह में बोला था कि ये मटन रोज जो है ना वो खुद बनाएगा, ये उसको मैरिनेट करेगा, उसको बेक करेगा, लेकिन वो अपने काम की वजह से सुबह से निकले हुए कि अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा इसके इंतजार में रहूंगी तो ये आज बन नहीं पाएगा, तो बहरहाल मैंने तो बना दिया है। अब आए ये और आकर मुझे बोलेगा कि अभी चलो शुरू करते हैं बनाना। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे इंतजार में रहती तो ये बन जाती आज, वो ये भी मैं बता रही थी। ये अब आए जब पूरा प्लेटर मेरा रेडी हो गया है। यानी नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा, असल में मैं मेरी सुबह बहुत अर्ली कॉल टाइम है शूट का, तो इस वजह से मैं आ नहीं सका, बट नेक्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट मैं बनाऊंगा। अब नेक्स्ट टाइम आप उमर के हाथ की मटन रोस्ट खाएंगे तो अब तुम खाने बैठ जाओ। ये यार ये बड़ा ही कोई प्लेटर तैयार हो गया है। ओए ओए ओए, जस्ट हैव अ लुक, कम क्लोजर यार। अभी ये मेरे और राइट के लिए ये तैयार है, राइट को मैं बुला रहा हूँ, थैंक यू सो मच, और बाकी खाने के बाद हम अपना फीडबैक शेयर करें। पहले तो इस डिश का नाम बता दें आप लोग, क्या बनाया है वैसे? ये राइट बताएगा, मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये मटन रोस्ट, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो और भाई पूरा आदमी खा लो। अच्छा सबसे पहले तो ये खाना पीना तो बाद में चलता ही रहेगा, आप सबसे पहले ये बताइए कि ऑडियंस पूछती है, पब्लिक पूछती है, रेसिपी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने रेसिपी शेयर की? यस बिल्कुल, मैरिनेशन से लेकर पका, क्योंकि आज जो था ये प्रॉमिस था उमर ने बनानी है आज ये रेसिपी, सही है ना? और आपको पता है कि उमर बनाऊंगा ना मैं। हाँ। आप ही बनाती हैं? नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं।
मैं बनाऊंगा नेक्स्ट। हाँ, अगली बार का वादा है उमर ने, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी जो है उमर ने बनानी है। ये आप देखो क्या जबरदस्त, इतना अच्छा मैरिनेट हुआ है कि रेशा रेशा इसका अलग हो रहा है, मजेदार। ये जो उमर तुमने सही का इसका तिया पांचा किया है ना, प्रोफेशनली आपने तिया पांचा किया है इसका। ये क्या जरा इसके बारे में बताएं। ये जो है ना ये ग्रेवी है, इसका जो मैरिनेशन होता है ना एंड में, तो उसको हम पकाते हैं, तो ये उसका जो असल जुज है ना, समझ लो यखनी और हर चीज। तो होटो में ही मेल्ट हो गया ये गोश्त, मेल्ट बहुत जबरदस्त हुआ है। इसकी क्या ड्यूरेशन क्या है टाइम? ये 24 घंटे तो इसको मैरिनेशन के देने होते हैं, लेकिन मैंने इसको 16 घंटे में जो है वो मैरिनेशन, हाँ जितना मैरिनेशन का टाइम उतना जो है ना इसका टेंडर बहुत अच्छा होता है। पूरा दिन बाहर था लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था, वो इसी वजह से क्योंकि मुझे आके ये खाना था, बनाना नहीं था इसको, ये खाना था। ये बहुत मजे का राइस स्पेशली जो है ना वो अलग अलग हो रहे हैं, गार्लिक बिल्कुल, बटर गार्लिक। तो राइस कौन से यूज किया आपने? ये मेन बासमती और ये प्योर जो मक्खन होता है ना ये उसमें बने हुए हैं। 10/10। अच्छा तुम यार अभी ये तो रोटी के साथ पराठे के साथ भी खाया जा सकता है, बहुत ज्यादा शौक के बगैर सब चीजें नहीं बनती। नहीं नहीं, और खाना बनाने के लिए राइस शौक नहीं है ना तो आप अंडा भी अच्छा नहीं बना सकते। बहुत जबरदस्त बना है, आई लव्ड इट। और एज यूजुअल लोगों के फीडबैक आ रहे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं रिसेंटली, मैं भी देख रहा होता हूँ, तो बस अपने फीडबैक को शेयर करते रहिए। खैर मैं भी जो बनाता हूँ उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी जो रेसिपी होती है वो होती है अप्पी की है, तो आयशा इसीलिए केक्स एंड कुजीन चलाने वाली जो है मेन आयशा शहजादी हैं, और मैं भी कुछ सीख लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा शौक है, लेकिन जब टाइम मिलता है तो मैं बनाता हूँ। और आज टाइम थोड़ा सा मैं लेट हो गया था वापस आते आते, पर नेक्स्ट में इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मजा तो ये है कि वो ये सब कुछ बनाए और बना के फिर वो भी ऐसी वीडियो शेयर करें आपके साथ कि उनको आपकी रेसिपी का रिस्पांस कैसा मिले, और अगर चाहे तो हमें भेज सकते हैं। हम तो खा लेंगे अपने चीट डे पे। आयशा केक्स एंड कुजीन को फॉलो करते रहिए, फीडबैक शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।